और ये है मेरी पूरी टीम फुटबॉल की और हम लोग जा रहे हैं कस्या के पास फुटबॉल खेलने। आए कर दो एक बार, आए कर दो एक बार व्लॉग में, आए कर दो। दोस्तों हम करने जा रहे थे एक बड़ी मामूली सी चीज जो आम लोगों के लिए तो मामूली ही है, लेकिन हमारे लिए कहीं दूर बड़े ग्राउंड में जाकर खेलना बहुत बड़ी बात थी। और वो समय जैसा उत्प्रेरक हमें लग रहा था ना, वैसे ही आप सभी को भी फील कराने के लिए इसे थोड़ा हॉरर बना रहा हूँ, पूरा देख के जाना। ये है वो ग्राउंड जहाँ हम रेगुलरली खेलते हैं, काफ़ी बड़ा है ना, हमें भी पहले यही लग रहा था जहाँ हम खेलने जाने वाले थे। उसके पहले हम खुश तो थे पर अंदर ही अंदर एक चीज़ का डर भी था कि इतने बड़े ग्राउंड में हम अपना गेम कैसे संभालेंगे। उस समय एक अलग ही एनर्जी आ रही थी, रास्तों को देखते, बास के नज़ारों को देखते हुए कहीं बाहर जाना, वहाँ के माहौल में ढलना और दूसरे फील्ड में खेलना हमारे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था। और यही एक्सपीरियंस आप सभी के साथ मैं साझा करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं कि हम वहाँ पे जीते या हारे। पर अगर जीत जाते तो क्या इतनी खुशी की बात होती, या हार जाते तो क्या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते, ये तो भगवान ही जानते हैं। एंड फाइनली हम उस जगह पे आ गए, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज सिखोनिया कुशीनगर। इतना बड़ा ग्राउंड हमने आज तक टीवी के अलावा और कहीं नहीं देखा था। अंदर एक अलग सा डर था कि यहाँ के जो प्लेयर्स हैं उनके सामने हम कैसे टिकेंगे। फिर भी हमने हिम्मत बांधी, हम ग्राउंड में उतरे और हमारा गेम स्टार्ट हुआ। और फाइनली ये गेम अब ख़त्म होने वाला था। हमारा स्कोर था 2 गोल और उनका स्कोर था 7 गोल। हम जीते तो नहीं, हारे, क्योंकि ये तो हमारी पहली कोशिश थी। और पहली बार में जीत कहा जाता है ना कि
थोड़ा घातक होता है। इस हार से हमें ये पता चला कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हार आपको सिखाती है कि आप में क्या गलतियां हैं और आपको कितने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और फिर चेहरे पे मुस्कान लिए हमारे मन में सिर्फ एक ही शब्द था, बाउंस बैक एंड हिट हार्ड। देखने के लिए शुक्रिया।